हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अभी आप सब लोग? अभी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है और टाइम हो रहा है कुछ 10 बज रहे हैं। और यार एक नई जगह पे, आपको पता है, सोने में पहले तो सुबह सोते सोते 3-4 बज गए और अभी 10 बजे आँख भी खुल गई, अब नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज़ को देखने के लिए मैं खुद भी बड़ा बेताब हूँ। कल जब हम पहुँचे थे तो ज़रा शाम हो गई थी, व्यूज़ तो सारे क्लियर थे, लेकिन अभी बाहर जाके देखेंगे कि बाहर की क्या व्यूज है। फुल 100%। कैसी खुशी दी है, देखें बाहर क्या व्यूज है। सुकून जगह। चलो भाई मैं रेडी शेडी हो गया हूँ, प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे बन गए अब। और नाश्ता ऑर्डर किया हमने, नाश्ता ऑर्डर करके, अब नाश्ता वाश्ता करके तो भाई अब हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है, जो कि है ये यहाँ जाना है हमने। पागलपंतियों की फुल लत है भाई इस बार, फुल टाइम जड़े जड़े पंगे जिंदगी च नहीं किते ना, सारे इस दफा करने ना, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। कल तो वैसे वही नीचे से हाइकिंग कर करके ना, 1 घंटे की हाइकिंग थी और वो उसी में ही मेरा हाल हो गया था। मैं कहा भी चलो करेंगे तो ही जरा स्टेमिना, यू नो। ट्रेडिशनल नाश्ता रेडी हो रहा है इस व्यू के साथ। एक सब क्या कर रहे हैं आप? पंगे नहीं आपको किसी के काम में दखल? आपको सुकून नहीं आता? कुछ मतलब एक हमारे पास प्रो शेफ है तो क्यों फिर आप पंगे लेते हैं ऐसे के? यार मैं खुद प्रो शेफ हूँ ब्रो। ओह माय गॉड, पंडा उंडा तो पका ही लेते देना यार चमचा। चमचा वो तो मैं हूँ। टूट गया? हाँ जरा मुझे लेयर ब्रेक खानी है। ब्रेक वो आप ऊपर वाली मुझे दे देना ना, अपना नाश्ता हमने इधर आके भी खुद ही पकाया है और परौंठा भी आ गया साडा लिया। बिस्मिल्लाह। कुछ लोगों के लिए साफ साफ इशारा, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि ये व्यू और साथ चाय। चाय लवर सारे अपने अपने कमेंट में नीचे बताओ जो जो यहाँ पे आके चाय पीना चाहते हैं इधर। ओए ओए ओए, सुबह सुबह की चाय और ये पहाड़, ये नजारा और चाय, ये नदियाँ, ये किनारे, ओए ओए चाय का सहारा, ये चल चल हवा। यो बॉयज मिल जाते हैं हमें, हम जैसे बहुत प्यारे मुर्शिद की वजह से, मुर्शिद की वजह से बेसिकली। चलो यार अच्छा लगा भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। लो भाई अब कुछ ना कुछ फायदा होने लग गया है कि थोड़े बहुत फैंस हमें यहाँ भी अपने मिलने लग गए हैं। तो अब भाई हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, यू नो, जैसा कि हमने जिक्र किया था, दिल कोई नहीं सी जानता पर क्योंकि तुरंत बान कर ली थी कि असं जावे, हूँ तुरना शुरू कर दिता है। तब ये व्यू था कि आप अरंगेल चढ़ते हो, 2 या 3 होटल थे मैक्सिमम और पूरे ग्राउंड का ना कमाल व्यू था। लेकिन अब ये इतने होटल बन गए थे, जगह जगह सारे होटल ही होटल, सारा व्यू तो इन्होंने मार दिया, पीछे व्यू बचा ही कुछ नहीं है। एक्चुअल व्यू तब था लेकिन फिर भी मतलब लोग ये सोच के आ जाते हैं कि हाँ जी जी अरंगेल टॉप पे जाना है। चलो फिर भी खूबसूरत, बस वो समझ लो कि एक उनका वो एक मिशन बन गया जी अरंगेल टॉप तक जाना है, लेकिन वो वाला व्यू जो पहले हम देख के गए ना वो व्यू नहीं है।
ये जो पीछे पहाड़ है ना, इनके पीछे क्या है? बाबा इंडिया बॉर्डर है। और फाइनली हमें पानी भी मिल ही गया है भाई। ये देखिए, हम कल रात से इधर पानी ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं भी पानी शानी नहीं मिला हमें। अब यहाँ से हमें गुजरना है। बीप चला गया, अब मेरी बारी है। शेख साहब खतरों के खिलाड़ी। कहाँ से आओगे अब? हैं? यार इधर से बेसिकली रास्ता नहीं था। वो देखो एड्डा साफ सुथरा रास्ता भी है। उधरों नहीं आए आप, इधरों आए बाद चो देखे है। आ जा जल्दी उधर से। ऐ वो फुट्टा बेंड हो गया। सो बेसिकली भाई ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था। मतलब कोई होटल नहीं थे, ये एग्जैक्टली देख रहे मैदान और पीछे पहाड़। ये सुकून दे जगह, ये है वो बेसिकली व्यू। ओए जिंदगी तो इन्ना दिया वे सुकून नल। ओए भाई वैसे कभी इनके इतने करीब नहीं गया, लेकिन हो सकता है यहाँ के लोगों की तरह ये भी शांति हो। हेलो गल सुन एक मिनट। ओए और दौड़न कितने दी है। ओए गल सुन गल सुन और गल सुन गल सुन गल सुन। और दौड़ गई, नहीं मन रही भाई। मैं कहा चलो एक सेल्फी वेल्फी मार लें, नहीं मन दी। जब भी बात है दूसरी ये, हमारे पास था क्योंकि टाइम शॉर्ट, हम सिर्फ ग्लेशियर्स के करीब ही थे। लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं, क्यों? हमारी बस हो गई है और नहीं चला जा रहा, और टाइम आगे कम है। हमने अभी अरंगखेल नीचे भी उतरना है, उतर के फिर आगे 2.5-3 घंटे का ट्रैवल है वो भी करना है, फिर रात हो जाएगी क्योंकि अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए चलते हैं यहाँ से। क्यों भाई आपकी क्या सोच विचार है इस बारे में? देखने में बहुत सीधा लग रहा है। हाँ ये लेकिन बहुत दूर है अभी, पूरी पूरा जंगल क्रॉस करके फिर आगे पहाड़ है। स्टीप बनी पूरी। तो हमने ऊपर तक तो नहीं जाना था, लेकिन वो जहाँ से ग्लेशियर शुरू हो रहा है ना वहाँ तक जाना था। वहाँ से जितना जाना था अभी भी उतने का उतने का। अभी लेकिन हम काफी दूर आ गए हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हुए है। ये रेड छत वाला बिल्कुल एंड में जो ये होटल है ना, ये वाला, इसके भी पीछे से आए हैं। रेड छत इसके भी पीछे से कोई है, मेरा यार बैठा है अकेला। ओए 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 उठी ना यार, की गल होगी? ओए गल सुन अचानो, वो कहते आ कि सानू पता इन्हें खड्डा मार के इतनी दब के सानू खा जाना है। बड़े समझदार हो तुम, बड़े समझदार हो, यकीन करो। पानी है नीचे सारा। शेख जी दिखाना तेरा मुंह अपना, दिखाना। अच्छा अंदर मुंह में पानी रख के चलता है ये जो है ना, ये मुंह में पानी रख के चलता है कि बस जहां प्यार लगी हल्का सा एक घूंट अंदर रख लूंगा। अरे आ जा आ जा, इधर मेरी तरफ टर्न करना, ओवर टर्न करो। ये क्या है? वाटरफॉल बीप के अंदर चली गई है। शूज गिले हो गए हमारे सारे फुल। जगह बहुत खूबसूरत है नो डाउट, जाने को दिल भी नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती अपनी जगह। अब हमें दरिया चाहिए, दरिया के किनारे बैठना। यार इधर कोई वो नहीं है, बस छोटे छोटे 2 झरने हैं। तो अब हमें चाहिए दरिया। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके अब हम शारदा जाके वहाँ स्टे करेंगे और वहाँ फिर दरिया के किनारे बैठेंगे सुकून से। बच्चों ये क्या इकट्ठा कर रहे हो? साग दिखाओ। यार आप इतनी प्यारी हो, क्या नाम है आपका? अमारा। बड़ा प्यारा नाम है, दिखाओ क्या इकट्ठा कर रही हो। इसको क्या कहते हैं? साग। भाई साग इस तरह का नहीं होता यार, साग तो दूसरा होता है। आपका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? सिद्रा। और आपका? साइम। बड़ा प्यारा नाम है यार आप तीनों का माशाल्लाह। अलविदा कहने का टाइम आ गया। हार्डेस्ट गुड बाय, हार्डेस्ट गुड बाय। ये वाले पहाड़ों को गुड बाय, अगले पहाड़ों को हाँ, इनको अल्लाह हाफिज। और हम लोग निकल रहे हैं
मरूफ भाई को आज हमने बुलाया दोबारा, और ये हमारा सामान हमारे साथ नीचे तक लेकर जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा मुश्किल लग रहा है आपको? ये उतरना और भी मुश्किल है, क्यों अल्लाह माफ करे, डर लगता है कि पाँव ना कहीं स्किट कर। यहाँ से जाने दो ना डायरेक्ट। नहीं 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 भाई, सीधे रास्ते से, कोई बात नहीं, खैर थोड़ा टाइम लगने तो नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये भाई साहब को बहुत जल्दी है, पहले पहुंच ही खड़े हमसे। उन्हें चार गा को उड़ फड़ने लगे बंदे। चल तो ऊला रे ऊला ला रे। ओ भाई क्या कर रहे हो? दिखा रहा हूँ कि सीधे का सीधा ही है। ले भाई साहब, सीधे का सीधा। और शेख साहब मजा आ रहा है? मजा तो जिमें रात जिमें कल बस आला कर त्रा कटाते शेखू, अब तो थकावट नहीं हुई? सीने छोड़ गए पर हम लोग पहुंच गए अभी नीचे। अब लिफ्ट का वेट करेंगे, लिफ्ट आएगी तो फिर हमने वो उस पार जाना है। पर भाई कितने चक्कर लगा लेते हो दिन में? 6-7 चक्कर लगा लेते हैं ऊपर ऊपर नीचे। बड़ी बात है भाई, ये आ गई भाई लिफ्ट, अब इसमें हमने जाना है। आ गया सामान। ठीक है मरू भाई, भाईजान बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज भाई। हम वापसी वाली ज्यादा, ये स्टिक पकड़ो, स्टिक पकड़ो, वापसी वाली ज्यादा तेज जा रही है। खाली भी है, हम बैठे भी 3 लोग ही हैं सिर्फ। यहाँ से जाना है हमने ऊपर से। वैसे हम 3 लोग हैं भाई, हमारे साथ और हम 2 हैं। और ठंडी हवाएं भी आज अंदर आ रही है, आज ठंडी हवाएं भी अंदर। कल तो 8-10 बंदे अंदर बैठे थे, कुछ महसूस नहीं हो रहा था। और आज चेक करो भाई नीचे, बस अल्लाह पाक सबको अपनी इज्जत मान में रखे भाई। I'm not going to do that.